मकसद होता है। ऐसी दुनिया मेरे साथ छोड़ चुकी है। एक कॉलेज था जिसमें एक बंदा गया जहां पे सैकड़ों की तादाद में तालिबे इल्म बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, कितने लोग हैं जिनको पता है। उनमें से सैकड़ों में से उसने कहा रियलिस्टिकली ऐसे शो ऑफ नहीं करना जिस तरह आप हाथ खड़े कर देते हैं सारे के सारे, सिर्फ वही हाथ खड़ा करें जो सोचते हैं कि हमने क्या करना है, क्या कर गुजरना है। जिंदगी और मौत के दिन, इस दुनिया में आने और जाने के दिन अल्लाह पाक ने लिख दिए हैं। उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना ही हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम इन लम्हों को करामत बना सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है। तो उनमें से सिर्फ 23 स्टूडेंट दे रेज्ड हैंड एंड सेड कि यस वी हैव द ड्रीम्स। उसने कहा कि ठीक है, अपना ड्रीम भी लिखें अलग बैठ के, अपना नाम भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, 15 साल के बाद मैं आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो नहीं कहता अंग्रेज, 15 साल के बाद आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, आप ऐसा एड्रेस लिखें, ऐसा नंबर लिखें जहां से शायद हो सकता है मैं आपसे कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाऊं। और उसने लिफाफे में बंद कर लिए और उसने कहा कि ये सील हैं और 15 साल के बाद इनको खोलेंगे। वुड यू बिलीव कि 15 साल के बाद वक्त गुजरता गया, 15 साल के बाद जब वो लिफाफा खोला गया, 23 में से उनके मुताबिक 18 स्टूडेंट ऐसे थे जो मंजिल पे पहुंच चुके थे।